वेलकम बैक रियल द मॉर्निंग ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल आई थी जिन्होंने अपनी थोड़ी सी साजिदा ने घर के हालात जो थे ना उनके ससुराल की तरफ से इश्यूज उसके बारे में पूछ रही थी जी बताइएगा ली देखिए उसके लिए ये है कि ये गुड़ का सदका करें गुड़ हर इश्यूज क्या है इश्यूज यही है कि अपने ससुराली रिश्तेदार इनके लिए इश्यूज क्रिएट करता रहेंगे यहां करते रहेंगे वो है दाचे में योग बना हुआ है आए तो वो करते ही रहेंगे तो उसके लिए गुड़ का सदका करें गुड़ का जो है ना वो ये चैरिटी करें जाके सबसे बेहतर ये होता है कि बहते हुए पानी में गुड़ डाल दें आप बहते हुए पानी में जी बिल्कुल ठीक है तो बस जी इंशाल्लाह बहते हुए पानी में आप कहीं ढूंढे बहता हुआ पानी आसपास और उसमें गुड़ कितना डालें एक डली डाल दें एक डली बस एक बार वन टाइम रेमेडी है ये डालें एटलीस्ट फॉर 5 Sundays फॉर 5 Sundays 5 Sunday तक कोई संडे बीच में मिस हो सकता है हाँ फिर दोबारा से 5 कर लें कोशिश कीजिए कि एक ही बार में एक गो में 5 Sundays आप कवर कर लें जो आपका कोई ट्रैवल प्लान या कुछ ऐसा ना हो जो 5 Sunday आप मैनेज कर सकें तो इस तरह कोई टाइम स्पेसिफिक सूरज गुरु होने से पहले पहले मतलब तुलू होने के बाद और गुरु होने से पहले इतना लंबा जो ड्यूरेशन है सनसेट से पहले पहले हाँ चले जी ठीक है हमारे पास एक कॉल मौजूद है अटेंड करते हैं अस्सलाम वालेकुम हाँ जी गुड हेल्दी मॉर्निंग कौन बात कर रहे हैं निमरा गुजरांवाला से जी निमरा कैसी हैं आप शुक्र अल्लाह का आप सुनाएं बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा हमारे पोल का जवाब दीजिए मैंने पोल का क्वेश्चन नहीं सुना हाय अल्लाह निमरा मेरे पोल का सवाल था है इनफैक्ट कि अगर किसी बीवी का शौहर उसको मारे फिजिकली मारे तो क्या बीवी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसको भी पलट के लगाना चाहिए या चुप करके कोने में कहीं बैठ जाना चाहिए मैं इसके बारे में क्या बता सकती हूँ अभी अभी अच्छा नहीं एक जनरल ओपिनियन तो हर एक का होता है ना कि अब चाहे ठीक है शादी हुई भी नहीं हुई तो भी ओपिनियन तो होता है ना नहीं आई थिंक चुप रहना चाहिए चुप रहना चाहिए तो फिर वो आपको दोबारा मारेगा क्या पूछना चाहेंगी मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ बताइए 5th January 1988 कहाँ पैदा हुई गुजरांवाला में टाइम बताइएगा शहरी का टाइम का फजर से थोड़ा पहले 19 क्या ईयर क्या बताया 1988 जी है ना जी ठीक है अनिमरा आप तो मुझे बहुत ही छोटी सी लग रही हो 19 गुजरांवाला अच्छा सिस्टर के बारे में क्या पूछना है उनकी शादी का पूछना था कब तक होगी अच्छा शादी का पूछना हम आपको बता रहे हैं ठीक है थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल क्यूट कॉलर हाँ जी इनकी सिस्टर हैं तो बहुत गुस्से की तेज मंगली वो लगा देंगी वो पहली बार में ही लगा देंगी मंगलिक एक मैं बताता चलूँ जो मंगलिक फीमेल हों या मेल हों वो बहुत टेम्पर लूज कर जाते हैं और मतलब अगर मेल हों या फीमेल हों फिजिकल असॉल्ट भी कर सकते हैं वो उनकी जो शादी मुझे नज़र आती है वो नज़र आती है नेक्स्ट ईयर फेब के बाद 2013 के फेब के बाद उनकी शादी नज़र आती है अच्छी शादी होगी बस ये थोड़ी एग्रेसिव है अपने मिजाज में इनकी बहन थोड़ा तब्दीली लाएं पॉजिटिव मतलब वो लाएं थोड़ा कूलनेस और कामनेस लाएं लर्न टू इग्नोर थिंग्स है ना ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें उनको बहुत ज़ोर से लग रही हैं वो कोशिश करें उनको इग्नोर करें आई नो दे आर वेरी बॉदरिंग बट इग्नोर करें तो इग्नोरेंस इज ब्लिस इस सिचुएशन में है ना सही अच्छा अली के शादी के उसमें से पता चल जाता है कि दोनों में से कोई एक पार्टनर देखिए मैं सिर्फ मर्द हजरात को नहीं कहूंगी कि वो भी मारते हैं अब तो ये भी बात है कि खवातीन भी मारती हैं भाई रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है वो तो आपको पता ही है लेकिन चलो उसकी वजूहत जो भी थी वो तो इस तरह की वजूहत भी होती है कभी ये भी होता है कि खातून इतनी अग्रेसिव होती है और मर्द जो होता है वो थोड़े ठंडे मिजाज का होता है तो खातून जी किचन में जितने बर्तन रखे हैं सबसे पिटाई हो चुकी है हस्बैंड की तो ऐसा भी होता है बिल्कुल होता होगा ऐसा भी हाँ नहीं नहीं ऐसा होता है मतलब ये पता चल जाता है जायचे से जायचे पता चल जाता है कि बंदा एग्रेसिव है ये बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाता है जायचे से कि बंदा एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा और ये मतलब ये कि मतलब बहुत फिजिकली जो है किसी को टॉर्चर कर सकता है कोई ऐसी चीज़ कर सकता है जायचे से पता चल जाता है अच्छा ओके हमारे पास एक कॉल है कॉल अटेंड करते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम गुड हेल्दी मॉर्निंग कौन बात कर रहे हैं मैं कमाल बात कर रहा हूँ जी कमाल साहब कहाँ से मैं कराची से बात कर रहे हैं जी पोल का जवाब दीजिए सबसे पहले
फोन का जवाब तो एक्चुअली ये है कि अगर आपको शोहर आपकी बीवी मतलब किसी बीवी बीवी पे हाथ उठाता है तो बीवी को फौरन ही पहली दफा में इसका रिएक्शन कर लेना चाहिए ताकि उसके दोबारा हिम्मत ना हो. बिल्कुल, दैट्स द पॉइंट. यही तो मैं चाह रही थी कोई आके ये वाली बात करे. क्या बात की कमाल साहब ने, कमाल कर दिया. पूछिए क्या पूछना है. मुझे एक्चुअली एलिमेंट ये अपनी जॉब के रेफरेंस से पूछना था. यहाँ कराची में तो मैं बैंक में जॉब करता हूँ और मुझे इंटरेस्टेड में जो एक्चुअली मिडिल ईस्ट में जॉब के लिए हूँ, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी बन नहीं पाती है. तो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि ऐसा है कि मतलब मेरे लिए यहीं बेटर है या बाहर जाना बेटर है, क्या उसके लिए खूबसूरती मतलब फ्यूचर के लिए क्या मतलब कब तक मुझे ऐसा स्टेबल पोजीशन मिल जाएगी. ओके, आप एक काम कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए. मेरी 11th में 1985. 11th में 1985. कहाँ पैदा हुए? कराची. टाइम? हफ्ते को 12 बजे दोपहर में. दोपहर में 12 बजे, ठीक. 12 बजे कोई भी दिन पैदा होता है? 12 बजे कोई एग्जैक्ट 12 बजे डॉट कोई बच्चा पैदा नहीं होता कभी भी. 12:30 जी. आधा घंटे का गैप दे दिया. चले जी, ये आपको पता है, कमाल हम आपको बताते हैं, ठीक है जी. चल, थैंक यू सो मच फॉर कॉल. हाय चले, काफी एक चीज ये है कि डॉट 12 बजे कोई बच्चा पूरी दुनिया में पैदा नहीं होता बस ये. और अगर कोई हो गया तो हो ही नहीं सकता. आप चली जाएं किसी नर्सरी में, कहीं चली जाएं, डॉट 12 बजे दोपहर के 12 बजे डॉट जब होते हैं ना एग्जैक्ट, जिस भी मुल्क में होगा 12:03 पे 4 मिनट पे एग्जैक्ट डॉट 12 बजे कभी कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता. क्या होता है उस वक्त, सब कुछ रुक जाता है कुछ सेकंड नहीं, के लिए. एक, हम मगरब के वक्त कहते हैं कि एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है. हाँ, इस तरह का एक है काफी लंबा चौड़ा, वो मतलब एक टॉपिक कभी डिस्कस करेंगे आपसे. जरूर करेंगे, अभी इस बारे में बताते हैं. ये टॉपिक हम जरूर डिस्कस करेंगे. इनकी जॉब का बताइए, मिडिल ईस्ट जाना चाहते हैं जॉब करने, या आप किसी इसे भी बड़े बुरे से पूछ सकते हैं कि, और आप चेक भी कर सकती हैं चाहे तो, डॉट 12 बजे कभी कोई बच्चा पैदा नहीं होता. डॉट 12 बजे बिल्कुल. अच्छा, 12:00 पे मैं भी नहीं होगा. 12:02 पे 3 मिनट पे पैदा होगा बच्चा. देखिए इनका दायचा एक्चुअली अभी जो इनका पीरियड चल रहा है ना वो 1993 से राहु का पीरियड चल रहा है. 1993 से राहु का पीरियड चल रहा है और ये उसमें जैसे इनका ध्यान लगा हुआ है बाहर जाने को, बाहर जाने को, तो ये स्टिल गोइंग ऑन ये राहु का जब से दशा शुरू हुई है. 1993 में तो ये सिर्फ 8 साल के थे. उसके अर्ली एज से इनके ध्यान में है कि मैं बाहर जाके जॉब करूं, बाहर अच्छा. जाऊं मुल्क से. तो इनका अभी फिलहाल तो कोई रैचे में ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये बाहर जाएं. लेकिन ये टूर के लिए जाएंगे, सफ़र के लिए जाएंगे. लेकिन ये इनका सफर कोई लिखा है, लेकिन सफर लिखा है लेकिन जॉब करना, जॉब नहीं लिखी बाहर करना. पूरी जिंदगी जी, पूरी जिंदगी मुझे तो यही नजर आता है. ठीक है हमारे साहब. अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? जी मैं मेजबीन बात कर रही हूँ कराची से. मेजबीन जी. जी मेजबीन कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी, हमारे पोल का बिल्कुल ठीक ठाक. अपने पोल का जवाब दीजिए. ये भाई आप देखिए, आपको शोर अगर आपकी गलती है तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, कि उनकी बातें सुन सकते हैं. अगर आपकी गलती नहीं तो आप उनकी बातें ना सुने, मारपीट ना करें. अच्छा, मतलब अगर गलती है तो. लेकिन ये जब सिचुएशन गुस्से वाली होती है ना, तो उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता किसकी गलती है किसकी नहीं है. जब ये सब कुछ हो जाता है ना, मामला ठंडा होता है, फिर समझ में आता है कि ओहो शायद गलती मेरी थी या उसकी थी या जो भी, वो बाद में समझ में आता है. नहीं, मारकुटाई तो पहले हो जाती है. लेकिन ठीक है, सही कह रही है. ठीक है जी, आप पूछना क्या चाह रही है? अपने कजन के बारे में पूछना चाह रही हूं. कजन के बारे में पूछ रही हूं. कजन की डेट ऑफ बर्थ बताइए. 27th August. हाँ जी, पूरी 1983. कहाँ पैदा हुए? कराची में. कराची में. टाइम बताइएगा. सुबह 9 बजे. सुबह 9 बजे, ठीक है. क्या पूछेंगे? ये मुझे ये पूछना है कि इनकी शादी कब होगी, और ये काम वगैरह भी नहीं करते, गुस्सा बहुत करते हैं. चले हम इनमें से जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं, ठीक है जी. थैंक यू मैजमिन, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. हाँ जी अली. देखिए जहीन तो बहुत ही इंटेलिजेंट अच्छा? है बहुत ज़्यादा. मेमोरी इनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए, होनी चाहिए. और ये नहीं नहीं अच्छा, इनका पैदाइश में मरकरी एक्सॉल्टेड है. अच्छा ओके. मरकरी आपकी जहानत का आईक्यू का सैयारा होता है. और मैं समझता हूँ कि इनकी एक्चुअली अभी पीरियड जो चल रहा है इनका वो अच्छा नहीं चल रहा, और इनका राहु की अंतर दशा चल रही है.
2014 से ऑनवर्ड ये इनके लाइफ में बेटरमेंट नज़र आती है, उनको काफ़ी पैसा वैसा भी मिलेगा, चीज़ें इनकी बेहतर होंगी। 2014 onwards. हाँ, अभी इनको जॉब ऑफ करेंगे, जॉब करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मुल्क से बाहर भी जाएंगे ये। ठीक है, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मिसेस नजर बात कर रही हूँ जी। मिसेस नजर, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, अब आज बताइए हमारे पोल का जवाब। बताइए आपको पोल का जवाब है जी, कि जितना सब्र करना चाहिए उतना ही फायदा है। बराबरी करने में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बराबरी करेंगे तो मतलब घर खराब होगा। अगर उसको मर्द तो वैसे ही अल्लाह ताला ने उसको मजाजी खुदा बनाया है, तो उसकी बराबरी तो कम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं, बराबरी की बात नहीं होती। नहीं, वो एक अलग बात है, वो अलग बात। मतलब ऐसा मौके क्यों दे। चले जी, अच्छा पूछना क्या चाहेंगी? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना है, कल मैंने कॉल की थी। दोबारा बताइए, दोबारा डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 1987। पूरी 1987 जनवरी, 23 जनवरी। 23 जनवरी 1987 कहाँ पैदा हुए? जुम्मे का दिन पिंडी पैदा हुए। पिंडी में, टाइम बताइएगा। सुबह का टाइम था। सुबह का टाइम था। अच्छा जी, क्या पूछना है बेटे के बारे में? सुबह कितने बजे? सुबह 8-9 के दरमियान। 8-9 के दरमियान। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे आज? पूछना ये चाहती हूँ कि उसका ना मतलब है, पढ़ा लिखा है तो उसकी जॉब का मतलब है, पहले जॉब लगी छूट गई। अच्छा हाँ, मुझे लेकिन ये तो हमने आपको कल बताया था। हाँ जी बताया था, मतलब है कि मैंने वो पूछना भूल गई थी कि कोई सदका ये जैसे वो स्टोन बताते हैं। अच्छा अच्छा, चले हम सदका स्टोन इनके लिए मैंने बताया भी था, येलो सैफायर का स्टोन है ना। बात सुने ना, मतलब है कि जो सही पढ़ा लिखा चंचल बनता होता है उसकी आप पूरी बात सुनते हैं, जो ऐसा घरेलू बंदा होता है आप वैसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मिस नजर कोई ऐसी बात नहीं, हम सबकी पूरी बात। मतलब ये है कि उसकी पहले जॉब लगी, मेरा एक ही बेटा है, तो इन्होंने बताया था कि वो बाहर तो कर सकता है, इधर उसकी जॉब लगेगी छूटेगी। ठीक है, तो मतलब है कि अल्लाह ताला दुआओं से भी तकदीर बदलता है। बिल्कुल, तो कोई ऐसी बात बताएं कि जो अल्लाह ताला उसका काम इधर ही कोई सेटल हो जाए, या उसकी अच्छी कोई जॉब मिल जाए, या कोई अच्छा आप चाह रही वो बाहर ना जाए, बेहतरी है वो कल अल्लाह ताला ही करेगा ना, पर आप जैसे जाचा बना के बताते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं इस बारे में। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और हम अपने कॉलर्स में कभी भी बायस्ड एटीट्यूड नहीं लाते, हमारे लिए सारे कॉलर्स जो हैं वो हमारे बहुत ही अजीज हैं, हमारे दोस्त हैं, हम सबको बिल्कुल इक्वल रखते हैं और हम बायस मोहतरम है हमारे लिए बहुत ज्यादा। देखिए एक चीज तो मैं ये बताऊँ राफिया, कि आपने जैसे कि हमारे कॉलर्स की बात सुनी, जितनी यंग जनरेशन की लड़कियों ने फोन किया उन सब ने कहा कि मारना चाहिए। ये जैसे एजिट आपको पिछले जो जमाने की खवातीन थी, पिछले जमाने में आपको पता है डाइवोर्सेस नहीं होती थी इतनी ज्यादा, तलाकें नहीं होती थी, पेशेंस बहुत होता था औरतों में। अभी जैसे इन्होंने कहा कि मजादी खुदा है, इनसे पहले जितनी खवातीन ने कॉल की सब यंग जनरेशन की गुजारा थी, किसी ने भी ये आंसर नहीं दिया। तो देखिए रिस्पेक्ट का एलिमेंट मर्द का बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने मैं कहती हूँ पता है अली, आप जो बात कर रहे हैं ना, हेड होना चाहिए और हेड को हेड की तरह ट्रीट करना चाहिए। मेल की अंडरस्टैंडिंग, मैं ये नहीं कहता फीमेल मेल दोनों बराबर हैं, इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें औरत को जो दर्जा दिया गया वो किसी मजहब में नहीं दिया गया, लेकिन स्टिल जो है मेल की अंडरस्टैंडिंग, और आप तो मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं कि फिजिकली भी अगर आप देखें कि मेल का ब्रेन उसका वेट फीमेल के ब्रेन से ज्यादा होता है, मेल का हार्ट उसके वेट की बात नहीं होती, मेंटल स्ट्रेंथ की बात होती है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, पेशेंट वो फिजिकली उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। अच्छा, तो ये टाइम खत्म हो रहा है, बता दीजिए। अच्छा मैं बता देता हूँ, देखिए इनका जो है बेटे के लिए मैं ये बताऊंगा, सूरह वाकया का तर्जुमा पढ़ें डेली ये अपने बेटे के लिए, और पढ़ के दुआ करें, अवलो आखिर 11 दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और सूरह वाकया का विर्द करें, ये रेगुलर बेसिस पे 41 डेज तक कम से कम व्रत करें और फिर दुआ करें तो इनके बेटे के लिए बेटरमेंट, बिल्कुल बेटरमेंट होगी। और येलो सैफायर का स्टोन ये बेटे को पहने, जी जी येलो सैफायर का स्टोन वेयर करवाएं तो इंशाल्लाह ताला मैलिफिक इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। चले जी ठीक है, और यहाँ सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया है, तो अली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आते रहेगा। ठीक है जी, व्यूअर्स वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो है हम जो है बात जो आज करने वाले वो है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर बात करेंगे। पोल का सवाल जो है वो मैं रिपीट करती चलूँ, आज हमारे पोल का सवाल है कि अगर शोहर बीवी को मारे तो बीवी को क्या पलट के मारना चाहिए या नहीं, किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, ये आप हमें बताएंगे। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, अभी वापस आते हैं।